हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न टू कंपीट। माय नेम इज हरदेव सिंह ठाकुर और आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है कुजनेट्स कंजम्पशन पजल। ओके, इससे पहले हमने बात करी थी केन्स की। केन्स के केस में हमने क्या क्या पढ़ा? केन्स के केस में हमने पढ़ा था कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, इसके बाद हमने पढ़ा साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या होता है, और उसके बाद हमने पढ़ी एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। तो इन तीन चीज़ों की हम बात कर चुके हैं जो कि एक शॉर्ट रन की स्टडी थी, ठीक है, क्योंकि केन्स हमारे शॉर्ट रन की बात करते थे जबकि कुजनेट ने लॉन्ग टर्म स्टडी करी थी। और उस टाइम हमारे पास जो कंजम्पशन पजल क्रिएट हुई थी जिसका नाम हमें फ्रिडमैन ने दिया था, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं केन्स कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। देखिए, केन्स कंजम्पशन फंक्शन होता है सी इज इक्वल टू में ए प्लस बी वाई। यहाँ पे सी क्या है? हमारी कंजम्पशन है। ए क्या है? ए हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन है, यानी अगर हमारी इनकम जीरो हो जाए तब हमारी जो कंजम्पशन होगी उसे ए कहते हैं, यानी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। बी क्या है? हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। और वाई क्या है? हमारी डिस्पोजेबल इनकम है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जीरो और वन के बीच में वेरी करता है, जो कि हमें केन्स ने बताया था। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्रीज होता चलता है जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती चलती है। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम ग्रेटर देन मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। डायग्राम हमने बनाया था जिसमें कंजम्पशन लाइन ये थी और ये क्या थी? इनकम लाइन थी, जिसे कंजम्पशन प्लस सेविंग के इक्वल कहते हैं। ये थी हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी कि अगर इनकम जीरो है तब भी हम कुछ ना कुछ सेव कर रहे हैं। इस सब के बारे में हमने बात करी थी। अगर हमने जानना हो कि एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम कैसे मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम से ज़्यादा होता है, वो कैसे जान सकते हैं? देखिए, एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में वाई। तो इसे अगर हम वाई से डिवाइड करें टर्म को, तो हमारे पास क्या आएगा? सी अपॉन में वाई इज इक्वल टू में ए अपॉन में वाई प्लस वाई से वाई गया बी। तो एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम आ गया हमारा ए अपॉन में वाई प्लस बी, ठीक है। इसी तरह अगर हमने यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना हो तो कैसे आएगा? डेल सी अपॉन में डेल वाई, यानी कि इसे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई से। तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी? कॉन्स्टेंट टर्म जीरो हो जाएगी। ये टर्म क्या हो जाएगी? वन। तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास? बी ओनली। तो मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम डेल सी अपॉन में डेल वाई क्या होता है? बी होता है। अब आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं। मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम क्या है? बी ओनली। एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम क्या है? बी प्लस ए अपॉन में वाई, यानी कि एक कॉन्स्टेंट प्लस में एक वेरिएबल। ये बी कॉन्स्टेंट है, ये क्या है? वेरिएबल टर्म है। तो यानी कि बी में कुछ ऐड करने के बाद एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम आ रहा है। तो यहाँ से हमें पता लगता है एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम ज़्यादा होगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से। वहीं ये चीज़ अगर हमने डायग्राम के थ्रू देखनी हो तो कैसे देखेंगे? देखिए, ये हमारी कंजम्पशन लाइन है। ओके, अब इस कंजम्पशन लाइन का स्लोप क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम होता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब स्लोप क्या चीज़ होती है? स्लोप होता है कि वो लाइन कितनी स्टीप है। अगर वो लाइन हॉरिजॉन्टल है तो इसका स्लोप क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। इसी तरह अगर ये लाइन वर्टिकल है तो इसका स्लोप क्या होता है? इन्फिनेटली लार्ज होता है, इसे अनडिफाइंड कहते हैं। वहीं पे हॉरिजॉन्टल का स्लोप क्या होगा? जीरो होगा, यानी कि अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ जा रही है तो उसका स्लोप बढ़ता जाएगा। ओके, तो इस लाइन का स्लोप क्या होता है? मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। वहीं पे अगर इस पॉइंट पे हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हम ओरिजिन से एक लाइन खींचेंगे इस पॉइंट तक, जो इस लाइन का ओरिजिन से हमने लाइन खींची है इस लाइन का स्लोप होगा, वही क्या होगा? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा। और इसका स्लोप क्या होगा? ये कंजम्पशन अपॉन में ये इनकम, ठीक है। और हमें पता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? कंजम्पशन अपॉन में इनकम, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और इस कंजम्पशन फंक्शनल लाइन का स्लोप क्या है? मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब आप देख सकते हैं ये लाइन ज्यादा वर्टिकल है, ज्यादा स्टीप है, जबकि ये लाइन थोड़ी हॉरिजॉन्टल है, इसीलिए इसका स्लोप ज्यादा है, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से। ये हमेशा आप याद रखना, क्योंकि ये बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर हम ओरिजिन से कंजम्पशन फंक्शन के किसी लाइन पॉइंट तक एक लाइन खींचे तो उसका स्लोप क्या होगा। और लोग कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप लिखाते हैं, यानी कि मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लिखाते हैं, लेकिन अगर ओरिजिन से कोई लाइन जा रही है उसका स्लोप एवरेज होता है, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा इस केस में। इसी तरह एक क्वेश्चन यूजीसी नेट में टोटल रेवेन्यू के केस में आया था कि ओरिजिन से अगर टोटल रेवेन्यू कर्व के किसी पॉइंट तक लाइन खींची जाए उसका स्लोप क्या होगा, और लोग लिख के आ गए थे मार्जिन रेवेन्यू। मार्जिन रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू कर्व का स्लोप होता है। लेकिन अगर ओरिजिन से टोटल रेवेन्यू कर्व के किसी पॉइंट तक लाइन खींचें तो उस लाइन का स्लोप क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू होता है। याद रखिएगा, ओरिजिन से जब भी कोई लाइन जाएगी उसका स्लोप एवरेज होता है। तो हमें क्या क्या बातें पता लग गई? हमें पता लग गया कंजम्पशन फंक्शन ये होता है, यानी कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जीरो और वन के बीच होती है। एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम डिक्रीज होती चलती है जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है। और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ग्रेटर देन मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। साथ में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे ग्रेटर देन मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ तक तो सब सही चल रहा था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आए कुजनेट जी। अब कुजनेट ने क्या किया? कुजनेट ने एक स्टडी करी 1946
1946 में उन्होंने स्टडी करी 1869 से 1938 के डाटे की, ठीक है, और उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो मोर और लेस कांस्टेंट थी और वो थी 0.90. तो उन्होंने ओवरऑल राउंड ऑफ करके एक वैल्यू निकाली 0.90, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू उन्होंने निकाला लॉन्ग रन में क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. तो इन्होंने क्या कहा था, ओवर द लॉन्ग रन ऑन द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिड नॉट शो एनी डाउनवर्ड ट्रेंड. केन्स ने क्या कहा था, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्रीज होता चलेगा जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी. इन्होंने कहा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं दिखाता जबकि वो कांस्टेंट रहता है, और इसके साथ साथ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दोनों एक दूसरे के इक्वल रहते हैं. अब देखिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसके इक्वल है, ए अपॉन में वाई प्लस में बी, ठीक है. बी क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, वेरिएबल टर्म है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम चेंज होगी ये टर्म चेंज होगी. अगर इसे हम जीरो कर दें तो ये क्या आ जाएगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कांस्टेंट आ जाएगा. तो यहाँ पे अगर हम ए को जीरो कर दें तो हमारा कंजम्पशन फंक्शन क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू में बी वाई. तो सी इज इक्वल टू में बी वाई हमारा क्या है, लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन है, जबकि ये कंजम्पशन फंक्शन क्या था, शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन था, ठीक है. यहाँ पे अगर हमने एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम निकालनी हो तो क्या मतलब हो जाएगा, सी अपॉन में वाई, और इस साइड राइट साइड में भी वाई से डिवाइड कर देंगे, वाई से वाई गया, एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम आ गया हमारा बी. वहीं पे अगर हमें इसे डिफ्रेंशिएट कर दें, डेल सी अपॉन में डेल वाई, ये वाई क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम आ गया बी. तो हम कह सकते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम इज इक्वल टू में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के इक्वल है. अब आप कहेंगे सर आपने केन्स वाले केस में डायग्राम के थ्रू भी बताया था कि कैसे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, क्या हम इस केस में भी देख सकते हैं कि कैसे एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम इक्वल मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम होता है, जरूर देख सकते हैं. देखिए ये डायग्राम था हमारा केन्स का. अब हम अगर कुजनेट का डायग्राम ड्रॉ करें तो वो कैसे आएगा, देखिए ये है हमारी 45 डिग्री लाइन जो कंजम्पशन प्लस सेविंग के इक्वल होती है, जो हमने पिछले केस में भी पढ़ी. और कंजम्पशन लाइन कुजनेट के केस में कैसी आएगी, ऐसी आएगी. ये इधर से क्यों स्टार्ट हुई, क्योंकि यहाँ पे ऑटोनोमस फंक्शन जीरो हो गया हमारा, ओके. अब इस लाइन में और इस लाइन के में गैप क्यों है, ये 45 डिग्री लाइन क्यों नहीं है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि अगर कंजम्पशन इज इक्वल टू में इनकम हो जाएगा तो ये लाइन और ये लाइन सेम हो जाएगी, यानी कि कंजम्पशन लाइन 45 डिग्री लाइन हो जाएगी. लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है, सेविंग भी है, ओके. तो ये गैप जो है वो सेविंग की वजह से होता है. जब सेविंग जीरो हो जाएगी ये लाइन और ये लाइन सेम हो जाएगी, यानी कि कंजम्पशन लाइन ही 45 डिग्री लाइन हो जाएगी. लेकिन जब तक सेविंग है यहाँ पे गैप रहेगा. अब अगर हमने इस पॉइंट पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना हो, देखिए इस कंजम्पशन लाइन का स्लोप क्या है, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है. अब इस पॉइंट पे एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम हमने निकालना है, यानी कि हम ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट तक, जो कि सेम ही लाइन होगी जो कंजम्पशन लाइन है, उसका स्लोप क्या होगा, एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम होगा. कंजम्पशन लाइन का स्लोप क्या है, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है. और अब दोनों लाइन सेम है तो यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है. ये हमने डायग्राम के थ्रू भी देख लिया. तो ये है हमारा लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन, जिस केस में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कांस्टेंट है. अगर हमने लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन वाली लाइन और शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन वाली लाइन दोनों एक ही डायग्राम में ड्रॉ करनी हो तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए ये है हमारी लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन की लाइन, जहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कांस्टेंट है. ये 45 डिग्री लाइन नहीं है, मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं है, क्योंकि वो इनकम लाइन होती है जिसमें सेविंग भी इंक्लूड होती है. वहीं पे अगर शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन लाइन हम ड्रॉ करें वो ये आएगी. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फॉलिंग एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम होता है, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम फॉल कर रहा होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती चलती है. और ये यहाँ से क्यों स्टार्ट होती है, ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे अगर इनकम जीरो है तब भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन रहता है. लेकिन लॉन्ग रन कंजम्पशन लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है, ओरिजिन से स्टार्ट होती है. तो ये सब था हमारे कुजनेट के बारे में. कुजनेट ने कहा एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम कांस्टेंट रहेगी, एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम के इक्वल होगा, लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन हमारा ये होगा, लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन लाइन ये होगी, ये सब हमें पता लग गया. अब इसके बाद 1955 में गोल्डस्मिथ ने एक स्टडी करी और उन्होंने भी क्या निकाला, उन्होंने निकाला एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम की वैल्यू 0.87. उन्होंने भी सेम बात कही थी कि एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम लॉन्ग रन में कांस्टेंट रहता है. अब इन दोनों स्टडी से हमें ये कंक्लूजन तो निकल गया कि लॉन्ग रन में कंजम्पशन फंक्शन हमारा क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है. अब प्रोपोर्शनल कंजम्पशन फंक्शन का क्या मतलब है, देखिए केन्स के केस में क्या था, अगर 1000 इनकम है तो हमारा कंज्यूमर मान लीजिए यहाँ पे 90% ही इसका कंज्यूम कर रहा था, यानी कि 900 रुपये कंज्यूम कर रहा था. अगर इनकम उसकी 1200 है उसका मान लीजिए फिर उसके बाद 87% कंज्यूम कर रहा था 1200 का, और अगर 1400 है तो उसका 85% कंज्यूम कर रहा था. ऐसे करके प्रोपोर्शन इनकम और कंजम्पशन का प्रोपोर्शन चेंज होता जा रहा था. यहाँ पे प्रोपोर्शन 0.9 था, यहाँ पे 0.87 था, यहाँ पे 0.80 था, यानी कि यहाँ पे 80% कंज्यूम कर रहा था, यहाँ 87, यहाँ पे 90. जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही थी उसका एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम घटता जा रहा था. लेकिन इस केस में क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम कांस्टेंट है, यानी कि इनकम 1000 है तब भी उस कितना प्रोपोर्शन खर्च करेगा, 0.90, यानी कि 90% ही खर्च करेगा. इनकम 1400 है तब भी कितना प्रोपोर्शन अपनी इनकम का खर्च करेगा, 0.90, यानी कि 90% ही इसका खर्च करेगा. 1600 है तब भी वो 90% ही खर्च करेगा, यानी कि वो प्रोपोर्शन जो है इनकम और कंजम्पशन का सेम है.
इसीलिए हमेशा याद रखिएगा लॉन्ग रन में कंजम्पशन फंक्शन प्रोपोर्शनल होता है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। इसी तरह शॉर्ट रन में जब हमने बात की थी एवरेज प्राइसिंग कंज्यूम डिक्रीज होता चलता है, यानी कि शॉर्ट रन में जो कंजम्पशन फंक्शन है वो नॉन प्रोपोर्शनल होता है, यानी इनकम और कंजम्पशन की रेशो जो है वो चेंज होता रहता है। तो हमें पता लग गया कि लॉन्ग रन में कंजम्पशन फंक्शन प्रोपोर्शनल होगा, शॉर्ट रन में नॉन प्रोपोर्शनल होगा। अब इसकी एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं हम। देखिए ये हमारे कुजनेट ने कहा था एपीसी कांस्टेंट है, एपीसी और एमपीसी एक दूसरे के इक्वल होंगे, कंजम्पशन फंक्शन लॉन्ग रन में ये होगा और एपीसी बी आएगा, एमपीसी बी आएगा, ये मैंने आपको बता दिया, ये हमारी लॉन्ग रन कंजम्पशन लाइन होगी। वहीं पे केन्स ने कहा था कि कंजम्पशन फंक्शन ये होगा, कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 और 1 के बीच में वेरी करेगी, वो इधर भी वेरी करेगी, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही होगी। एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम यहाँ पे ज्यादा होता है मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम से, यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम इक्वल होता है मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम से, यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम की वैल्यू होती है ए अपॉन में वाई प्लस बी, यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम होता है बी, यहाँ पे मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम होता है बी, यहाँ पे मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम होता है बी, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये डिफरेंस था कुजनेट और केन्स ने। केन्स हमारे भाई साहब बात कर रहे थे शॉर्ट रन की, ये बात कर रहे थे लॉन्ग रन की। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगी इकोनॉमिस्ट के बीच में, एक कह रहे हैं कि एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ये कह रहे हैं एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम डिक्रीज होता चलता है, ये जैसे इनकम इंक्रीज होती चलती है। इसी चीज को नाम दिया था फ्रिडमैन ने कंजम्पशन पजल। और इसके बाद जो भी थ्योरीज आई हैं लाइफ साइकिल इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, उन्होंने इसी कंजम्पशन पजल को सोल्व करने की कोशिश करी है। तो अब इसके बाद हम उन्हीं थ्योरीज की बात करने वाले हैं। तो आई होप आपको इसमें सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।